बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ तुलबा तालबात, अस्सलामु अलैकुम। आज जमात हफ्तम के लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। लेक्चर नंबर 6 में आज हम कवायद समझेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हमने सबक का काम समझा था और कॉपी में तहरीर किया था। आज हम ज़र्बुल अमसाल और तलखीज़ निगारी का काम कॉपी में करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आप ज़र्बुल अमसाल का टाइटल बनाकर उसका काम करेंगे और उसके बाद तलखीज़ निगारी का टाइटल बनाकर तलखीज़ निगारी का काम करेंगे। अगले सफ़े पर आप ज़र्बुल मिसल की तारीफ की हेडिंग डालेंगे और तहरीर करेंगे। जब कोई वाक़या बार बार तजुर्बे या मुशाहदे में आए तो इनका निचोड़ पेश करने के लिए जो बात कही जाती है उसे ज़र्बुल मिसल या कहावत कहते हैं। बाद ज़र्बुल अमसाल के पस मंज़र में कोई कहानी भी होती है, जैसे जिस शख्स के दिल में चोर होता है वही बढ़ बढ़ कर अपनी सफाई पेश करता है। इस जुमले के बजाय ये ज़र्बुल मिसल इस्तेमाल की जा सकती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इस ज़र्बुल मिसल की कहानी कुछ इस तरह है कि एक गांव में चोरी हो जाती है। जिस शख्स के घर में चोरी होती है वो गांव के काजी के पास जाता है। काजी उसको इंसाफ दिलाने के लिए उन लोगों को इकट्ठा कर लेता है जिन जिन पर शक होता है। बहुत पूछ गछ के बावजूद भी मालूम नहीं हो पाता कि वो चोरी किसने की है। वहीं पर एक बुजुर्ग शख्स बैठा होता है, वो सारा मामला देख रहा होता है और सुन रहा होता है। वो कहता है कि चोर वही है जिसके दाढ़ी में तिनका है। यह कहा वो शख्स जिसने चोरी की होती है अपनी दाढ़ी को पकड़कर देखता है, महसूस करने लगता है कि मेरी दाढ़ी में तिनका कैसे आ गया। वो बूढ़ा आदमी फौरन समझ जाता है कि चोर यही है। तो मेरे रिश्तेदार तालबात, ये इस ज़र्बुल मिसल का पस मंज़र है। आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जो शख्स चोरी करता है वो घबरा जाता है। ज़र्बुल मिसल की तारीफ में मज़ीद आप लिखेंगे, आमतौर पर जहाँ कोई बात बहुत से अल्फाज में कहनी हो वहाँ मुनासिब ज़र्बुल मिसल के इस्तेमाल से इसका खुलासा भी किया जा सकता है। यहाँ पर आपको ज़र्बुल मिसल की डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। कुछ ज़र्बुल मिसाल यहाँ दिए गए हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, पहले तोलो फिर बोलो, बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम, आधा तीतर आधा बटेर, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसी तरह आप ज़र्बुल मिसाल लिखेंगे, आम के आम गुठलियों के दाम। इस ज़र्बुल मिसल के मायने हैं कि आम तो खाए और गुठलियों को बेचकर भी दाम वसूल किए, यानी दोहरा फायदा उठाया। नंबर 2 है, पहले तोलो फिर बोलो, यानी सोच समझ कर बात करो। नंबर 3, बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम, यानी कोई उम्र रसीदा औरत सिंगार करके खुद को जवान जाहिर करने की कोशिश करे तो ये ज़र्बुल मिसल कही जाती है। नंबर 4, आधा तीतर आधा बटेर, यानी ऐसा शख्स जो कभी एक रंग में नजर आता हो और कभी दूसरे रंग में, यानी गैर मोतबर। नंबर 5, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जिसने चोरी की होती है वो घबराया हुआ होता है। इन ज़र्बुल अमसाल के मायने मैंने आपको समझाए हैं। आपको कॉपी में ही सारा काम लिखना है। इसके बाद आप सूरजमुखी की किताब के सफ़ा नंबर 142 में जो दो मश्क मौजूद है उन्हें अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। ज़र्बुल मिसल का काम कॉपी वर्क यहाँ कंप्लीट हो जाएगा आपका। नदवान के सफ़ात नंबर दिए गए हैं, सफ़ा नंबर 87 और सफ़ा नंबर 67। ये नदवान में ही मुकम्मल करने हैं। ज़र्बुल मिसल लिखने के बाद अगले सफ़े पर आप तलखीज़ निगारी की हेडिंग डालेंगे, इसकी तारीफ लिखेंगे। तलखीज़ निगारी का मतलब है खुलासा लिखना, यानी किसी इबारत को ऐसे मुख्तसर करके लिखना कि इसका असर मफहूम मुतासिर ना हो। मसलन, अली किसी से नहीं डरता, इसका खुलासा बनेगा निडर। जिसके माँ बाप ना हो वो यतीम, यतीम कहलाता है। ऊपर दिए गए जुमलों में अली किसी से नहीं डरता पूरे जुमले को एक ही लफ्ज़ निडर के ज़रिए वाज़े करके दिया गया है। खुलासा निगारी भी इसी तरह जुमलों को कम अल्फाज में वाज़े करके लिखा जाता है। ये आप अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। इसके बाद सफ़ा नंबर 86 पर मौजूद तलखीज़ निगारी करनी है। यहाँ लफ्ज़ दिया गया है जुल्म करने वाला, आपको इसका तलखीज़ करनी है, यानी मुख्तसर करके बयान करना है। जालिम, शायरी करने वाला शायर, कैद किया जाने वाला कैदी, किताब लिखने वाला कातिब। इस तरह आपको ये पूरा सफ़ा मुकम्मल करना है।
यहाँ पर नद बांध का काम मुकम्मल हो जाएगा, तलखीस निगारी का, ज़र्बुल मिसाल के जो सफ़ात है वो आप मुकम्मल करेंगे। नद बांध का सफ़ा नंबर 67 ये मैंने आपको फिल करके दिया है ताकि आपको ज़र्बुल मिसाल याद हो जाए। यहाँ लिखा हुआ है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अंधेरी नगरी में चौपट राज, जितनी चादर देखो उतने पैर फैलाओ, भागते चोर की लंगोटी ही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये आपको पेन से काम करना है नर्तबान की किताब में, और कुछ ज़र्बुल अमसाल यहाँ दिए गए हैं जिसके मायने मैंने लिख कर दिए हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना, अंधा क्या चाहे दो आंखें, जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसी का ख्वाहिशमंद होना, आँख ओझल पहाड़ ओझल, किसी चीज़ का सामने ना होना, पहाड़ के बीच में आना बराबर है, हरकत में बरकत है, काम करते रहे तो खुदा मदद करता है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, सजा भुगतने पर भी बुरी आदत ना गई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जो बातों से ना माने मार खा कर समझे। ये तमाम मायने मैंने यहाँ लिख दी हैं, आप अपने नर्दबान में लिखेंगे पेन से बहुत ही सफाई से। इसके बाद आप सफ़ा नंबर 87 मुकम्मल करेंगे। सफ़ा नंबर 87 पर ज़र्बुल अमसाल के जुमले बनाने हैं। यहाँ पर जुमले मैंने लिख कर दिए हैं, आप ये जुमले भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप खुद से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर लोग कामयाब नहीं होते, एक और एक ग्यारह इसका जुमला बनाएगा, दो लोग मिल जाए तो एक और एक ग्यारह बन जाते हैं, चिराग से चिराग जलता है, इल्म फैलाना गोया चिराग से चिराग जलाना है, हरकत में बरकत है, कामयाबी के सिला मिला तो जाना हरकत में बरकत होती है, खुदा की बातें खुदा ही जाने, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, क्योंकि खुदा की बातें खुदा ही जानता है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, अच्छी सोहबत में बैठो क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, सो सुनार की एक लोहार की, कमजोर कभी ताकतवर के बराबर नहीं, इसलिए कहते हैं सो सुनार की एक लोहार की, सोया सो खोया, देर तक सोना नाकामी की तरफ ले जाता है, क्योंकि सोया सो खोया, डूबते को तिनके का सहारा, बाजों का छोटा सा मशवरा भी डूबते को तिनके का सहारा बन जाता है, ऊंची दुकान फीका पकवान, कुछ आला मायारी मसनूआत ऊंची दुकान फीका पकवान के मुतरादिफ है, लालच बुरी बला है, किसी काम में लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है, चिराग तले अंधेरा, मालूमाती किताबें होने के बावजूद हम चिराग तले अंधेरे की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसका काम उसी को साजे, अक्सर लोग ला इल्मी की बिना पर गलत काम कर जाते हैं, इसलिए कहा जाता है जिसका काम उसी को साजे, चिराग तले अंधेरा, मालूमाती किताबें होने के बावजूद हम चिराग तले अंधेरा की जिंदगी बसर कर रहे हैं, अंधों में काना राजा, बेवकूफों में मामूली अकल रखने वाला अंधों में काना राजा कहलाता है। सफा नंबर 87 मुकम्मल करेंगे आप अपनी नर्दबान की किताब में ही। यहाँ आपका लेक्चर नंबर 6 मुकम्मल हो जाएगा, ज़र्बुल अमसाल और तलखीस निगारी समेत। उम्मीद है बच्चों ये सारा काम आप बखूबी करेंगे अपनी कॉपी में, नर्दबान की किताब में। उम्मीद करती हूँ सारा काम आपको अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान। आप सबकी दुआ को मिस कौसर।